सादर जय जिनेन्द्र। तेरापंथ धर्म संघ के अष्टम आचार्य श्री कालूगुणी जी की समाधि भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में बनी हुई है। समाधि स्थल पर ही एक आर्ट गैलरी है जिसमें आचार्य श्री कालूगुणी के जीवन की झांकी दर्शाई गई है। तो आइए चलते हैं गंगापुर, समाधि का करते हैं अवलोकन और आचार्य श्री को करते हैं नमन। तेरापंथ के अष्टम आचार्य श्री कालूगुणी के शासनकाल को तेरापंथ का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इस समय में तेरापंथ धर्म संघ में शिक्षा, दीक्षा, साहित्य, साधना, कला आदि विभिन्न दिशाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पूज्य कालूगुणी का जन्म राजस्थान के बीकानेर संभाग के छापर नामक कस्बे में विक्रम संवत 1933 फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को हुआ। उनके पिता का नाम मूलचंद जी कोठारी एवं माता का नाम छोंगाजी था। कालूगुणी बचपन से ही बहुत संस्कारी थे। धर्म के प्रति उनके मन में विशेष अनुराग था। विक्रम संवत 1944 अश्विन शुक्ला तृतीया को पंचम आचार्य मघवागणी के करकमलों से उन्होंने अपनी माता छोंगाजी के साथ दीक्षा ग्रहण की। मघवागणी की छत्र छाया में मुनि कालू की साधना एवं अध्ययन प्रारंभ हुआ। बालक अवस्था में भी कालूगुणी बड़े स्थिर योगी थे। बुद्धि तीक्ष्ण एवं प्रतिभा विलक्षण थी। मघवागणी के सानिध्य में रहने का उन्हें लगभग 5 वर्ष तक ही अवसर प्राप्त हुआ। इस छोटी सी अवधि में उन्होंने अपने को बहुआयामी विकास दिया। मघवागणी के पश्चात लगभग 4.5 वर्ष तक माणकगणी तथा 12 वर्ष तक डालगणी का शासनकाल रहा। पूज्य कालूगणी मघवागणी की तरह माणकगणी एवं डालगणी के सामने पूर्ण समर्पित व जागरूक बने रहे। माणकगणी के स्वर्गवासी होने के पश्चात अंतरिम शासन व्यवस्था को सुस्थिर बनाए रखने में कालूगणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दीक्षा काल के थोड़े वर्षों में ही वे संघ में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। उस समय संघ ने डालगणी का चुनाव किया। डालगणी ने जब से आचार्य पद को संभाला, कालूगणी की विशेषताओं से वे बहुत परिचित हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के संबंध में चिंतित होना नहीं पड़ा। कालूगणी को ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। विक्रम संवत 1966 भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा को कालूगणी आचार्य पद पर आसीन हुए। कालूगणी का व्यक्तित्व अनूठा था। उसमें चुंबकीय आकर्षण था। एक बार तो विरोधी से विरोधी व्यक्ति सहसा उनके चरणों में नत हुए बिना नहीं रहता था। आचार्य श्री कालूगुणी विक्रम संवत 1993 भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में दिवंगत हो गए। यहीं पर उनकी ये समाधि बनी हुई है जो हमें आचार्य श्री के पद चिन्हों पर चलने की और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती है। ओम अरहम।